बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। क्लास टू का सेकंड चैप्टर जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है यहाँ पे, एक्सरसाइज वन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें टू डिजिट नंबर जो है उसमें से वन डिजिट नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये टू डिजिट नंबर है और नीचे जो है वो हमारे पास वन डिजिट नंबर है। इसको हमने इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से राइट कर लेना है, यानी ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, इसी हिसाब से आप लोगों ने इनको राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 23 में से हमने 5 माइनस करने हैं, ठीक है। और ये कैरी वाले क्वेश्चंस हैं। देखें, जब हमारे पास ऊपर छोटा नंबर हो और उसमें से हमने बड़ा नंबर माइनस करना हो तो उसके लिए हमें कैरी लेना पड़ता है, ठीक है। कैरी लेना कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हम उसको बोरो कर लेते हैं एक नंबर को इधर से, जो उसके 60 डिजिट होता है। जो टेंस प्लेस में से हमारे पास ये 2 है तो 2 में से 1 कैरी लेंगे तो ये जो 3 है ये हो जाएगा 13, ठीक है। मैं इसको 7 लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए समझने में, क्योंकि 2 में से 1 कैरी लिया था तो ये जो 2 था ये 1 हो गया, 1 उसमें से कम हो गया ना डिजिट, तो यहाँ 1 रह जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। सही लॉजिक इसकी ये है कि टेंस प्लेस में से जो है वो 1 इधर आया, 1 का मतलब होता है 10, और वंस प्लेस पे 3 था, 10 प्लस 3 13 हो गया ये, ठीक है। और फिर टेंस प्लेस पे 1 टेंस रह गया ये। बहरहाल आसान तरीका यही है इसका कि आप इधर से 1 कैरी करें, इस नंबर के साथ लिखें, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करने हैं। आप चाहें तो इसको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं कि आपकी ये जो फिंगर पे जो ये वाले निशान होते हैं, हर एक फिंगर पे 3 होते हैं ये, यानी 3 पार्ट होते हैं हर एक फिंगर में, ठीक है। तो 5 से ऑनवर्ड आपने काउंट करना शुरू कर देना है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। और एक फिंगर पे क्योंकि 3 होते हैं, 3 और 3 6, 6 प्लस 2 8, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो बाकी होंगे वो होंगे 8, यानी 13 में से 5 माइनस करें तो 8 बच जाता है बाकी। और 1 ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 में से कोई भी नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 4 में से 8 को माइनस करना है, क्योंकि 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये 3 जो है ये 2 बन जाएगा ये, ठीक है। और ये जो 4 है ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद ये 2 एज इट इज़ हम नीचे राइट कर देंगे तो 26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। 9 में से 1 कैरी आया तो यहाँ रह जाएंगे 8, और जो 1 राइट साइड पे आया था ये इसके साथ मिलके इसको 11 कर देगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। और 8 एट इज एज इट इज़ नीचे राइट कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे देखें, 0 में से 6 नहीं माइनस हो सकता, ये 4 से 1 कैरी लिया, ये रह जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4। 3 एज इट इज़ हमने नीचे राइट कर दिया है, ठीक है बेटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें 3 में से 7 माइनस करने हैं तो 3 क्योंकि छोटा नंबर है, अब यहाँ पे 2 डिजिट में से 2 डिजिट सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है। मेथड वही है बेसिक, वो जो चीज़ आपको मैंने बताई है ऊपर वाली लाइन में, वही आपने याद रखनी है। तो देखें, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो ले लेंगे या हम कैरी ले लेंगे। इसको कहेंगे यहाँ से 5 बाकी बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 कैरी आके उसने इसको 13 कर दिया। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। 5 बच गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 3। 36 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसी तरह बेटे यहाँ पे देखें, ये 7 है, 7 8 से छोटा है, इसलिए पहले हम बोरो करेंगे यानी कैरी लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये जो 5 था, 1 जो इधर आया उसने इसको 17 बना देना है, ठीक है। 8 में 17 में से 9 जो है, सॉरी 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, ये 9 जो है इसको, इसमें से एक कैरी इधर लेंगे तो ये रह जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। बेहतर ये है कि आप इसको अपनी फिंगर्स पे काउंट कीजिएगा, ठीक है। फिंगर्स पे आप काउंट करके बता सकते हैं ये। अच्छा, इसके बाद जो है वो
ये वाला इसमें वन में से टू नहीं माइनस हो सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये फाइव रह जाएगा और ये हो जाएगा इलेवन। इलेवन में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन। फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें देखें जीरो में से वन माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये सिक्स रह जाएगा और ये टेन। टेन में से वन माइनस किया तो ये आ जाएगा नाइन। सिक्स में से फोर माइनस किए तो टू आ जाएंगे। इसके बाद ये टू में से फाइव नहीं माइनस हो सकता, अच्छा, और ये आ जाएगा यहाँ पे सेवन, ये आ जाएगा ट्वेल्व। ट्वेल्व में से फाइव सेवन, सेवन में से फाइव ये आ जाएगा टू। ठीक है, यहाँ एट में से नाइन नहीं माइनस हो सकते क्योंकि नाइन बड़ा नंबर है, एट एक छोटा नंबर है। यहाँ से कैरी लिया तो ये एट रह जाएगा, ये एटीन हो जाएगा, नाइन ही बाकी बचेगा। एटीन में से नाइन माइनस करेंगे तो, एट में से फाइव माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जीरो में से टू माइनस नहीं हो सकता, जीरो छोटा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर होना चाहिए माइनस करने के लिए। तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये सेवन आ जाएगा, ये टेन हो जाएगा। टेन में से टू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एट। यहाँ सेवन में से सेवन माइनस करेंगे तो जीरो आता है, जीरो लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि देयर आर 45 पैसेंजर्स इन अ बस, एक बस में 45 मुसाफिर हैं, सवारियाँ कह लें आप। इफ़ देयर आर 18 वेमेन, अगर 18 उनमें से ख़वातीन हो, टोटल 45 हैं बेटे, 45 में से 18 जो हैं वो ख़वातीन हैं। How many men are there? तो जो अगर हम 18 इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैन होंगे। तो पैसेंजर्स इन द बस, सबसे पहले हम राइट करेंगे टोटल पैसेंजर्स आर 45 एंड वेमेन आर 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5 है, 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये रह जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 27 जो है बेटे वो विमेन हो, सॉरी 27 जो है वो मेन होंगे 45 पैसेंजर्स में से। ठीक है, अगर 18 वेमेन है तो। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।